अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर कार बनाने वाली जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उन्होंने बड़ा तवील अरसा तक लूट मार मचाई रखी, मगर फिर पाकिस्तानियों को थोड़ी अकल आई और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक नेशनल कंपनी ने कारें बनाना शुरू की और उनका दूसरा मॉडल 2021 में मॉडल सामने आया है, इंतहाई का अच्छा मॉडल। और पाकिस्तान के अंदर इसकी जो कीमत है वो भी हैरान कर देने वाली है, यानी कि दूसरी कंपनियों की नस्बत इसकी कीमत भी हैरान कर देने वाली है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यूनाइटेड कंपनी की जो अल्फा अब 1000 सीसी वो कार कितनी जबरदस्त है, उसकी प्राइस क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दूसरी कारों की निस्बत उसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, दूसरी कारों के निस्बत उसकी जो प्राइस है वो कितनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि मेरे पाकिस्तानियों को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर बनने वाली जो कारें हैं, बेशक वो अभी इब्तदाई मराहल में, अभी उनके पहले दूसरे मॉडल ही आ रहे हैं, लेकिन वो कारें इंतहाई जबरदस्त हैं, वो कारें दूसरी कंपनियों के मुकाबले में इंतहाई अच्छी हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन हासिल करने से पहले हमारे वो तमाम मौजूद नाज़रीन जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर 2021 की पहली, यानी कि 2021 की जो गाड़ियां हैं वो पहली जो गाड़ियां हैं उनमें आने वाली ये गाड़ी है यूनाइटेड कंपनी की अल्फा 1000 सीसी। पहले इनकी 800 सीसी की थी, मगर अब ये 1000 सीसी की आई है और ये 4 सिलेंडर गाड़ी है। 18 किलोमीटर नाज़रीन इसकी एवरेज होती है, 18 से 20 किलोमीटर इसकी एवरेज होती है, यानी कि ये 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 18 से 20 किलोमीटर तक का सफर जो है वो बड़े पुरसकून तरीके से करवा सकती है। और उसके साथ इसकी जो खूबसूरती है, क्योंकि गाड़ियों की जो खूबसूरती होती है उसको भी बड़ा पसंद किया जाता है, उसको खूबसूरती को देख कर ही, मद्देनजर रखकर ही बहुत सारे कस्टमर गाड़ियां लेते हैं। तो इसकी जो माउंटेन लाइटिंग है, इसकी जो माउंटेन लाइट है वो भी बड़ी अट्रैक्टिव है और वो भी देखकर ऐसा लगता है कि वाकई कोई ढंग की गाड़ी है या कोई ऐसी गाड़ी है कि जिसको रखना चाहिए। उसके बाद इसकी नाज़रीन, अगर आप इसको सामने से खड़े होकर देखें तो ये बड़ी स्माइलिंग फेस की एक कार नजर आती है, यानी कि जब कोई फेस स्माइलिंग फेस होता है उस तरह का इसका जो फ्रंट शेप है वो है, और ये बड़ा अट्रैक्टिव है, ये लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। उसके साथ फुली डिजिटल कार है नाज़रीन, और 60,000 किलोमीटर तक चलाने में इसको कोई क्लेम नहीं, यानी कि कोई 60,000 किलोमीटर चलने से पहले अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो वो इशू रिप्लेस भी करवा लिया जाएगा। 3 साल की इसकी गारंटी होती है। और तकरीबन अब जो असल चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी जो प्राइस है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कस्टमर सबसे ज़्यादा सुनना चाहती हैं, जो कस्टमर जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि इसकी प्राइस क्या होगी। तो नाज़रीन, पहले मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी कारें हैं कि जिनको जो 3 डब्बा होता है, लेकिन वो 20-20 लाख की, 18-18 लाख की, 15-15 लाख की, 12-12 लाख की, 14-14 लाख की, 22-22 लाख की भी बेच दी जाती है। 3 डब्बे होते हैं, हल्का सा कहीं लगती हैं गाड़ी बर्बाद हो जाती है, सत्यानाश हो जाता है। मगर पाकिस्तानी कंपनी ने ये जो गाड़ी बनाई है, ये इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 13,95,000 रुपए जितनी है, और इसी प्राइस के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई भी, पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे मुवाली की कंपनियां काम कर रही हैं वो कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो इस प्राइस के अंदर इस तरह की कार दे, जिस तरह की कार अब पाकिस्तान की अपनी यूनाइटेड कंपनी का जो अल्फा है ये दे रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो दूसरी 1000 सीसी गाड़ियों से कम जितनी भी मुख्तलिफ कंपनियां बना रही हैं, गाड़ियां बना रही हैं 1000 सीसी तक की, और उनकी जो कीमत है और जो इसकी कीमत है, यानी कि इसकी कीमत 13,95,000 रुपए तक है। जो दूसरी 1000 सीसी गाड़ियां पाकिस्तान में चल रही हैं, बन रही हैं, बिक रही हैं, उनसे कम अज कम 5 से 6 लाख रुपए तक की ये कीमत कम है, यानी कि दूसरी जो गाड़ियां हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं इसकी निस्बत, और ये जो गाड़ी है जीरो मीटर गाड़ी, इसकी कीमत कम है। और आने वाले वक्त के अंदर ये गाड़ियां नाज़रीन मजीद भी सस्ती होंगी, क्योंकि जिस तरह इसकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, जिस तरह पाकिस्तानी इसको पसंद करते जाएंगे, पाकिस्तान की अपनी कंपनी है, उसी तरह इनको बहुत ज्यादा आसानियां भी होंगी, और इनको जब नए ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे इस कंपनी को, तो यकीन पाकिस्तान की आवाम जो है उनको सस्ती गाड़ियां लेने में बड़ी सहूलत होगी। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिससे ये है, इसका दीगर कंपनियां भी पाकिस्तान की और भी बने, और उनकी बनने वाली जो गाड़ियां हैं पाकिस्तानियों के मयार के ऊपर पूरी उतरे, ताकि पाकिस्तानी आवाम जो है वो दूसरे ममालिक की जो कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनकी लूट मार से बच सकें। और पाकिस्तान की आवाम अगर 15-20 लाख रुपया भरे, तो फिर उस 15-20 लाख के बदले में पाकिस्तानी आवाम को ऐसी गाड़ी मिले कि जो मुकम्मल फैसिलिटी, जिसके अंदर मुकम्मल फैसिलिटीज़ हों और जिसके अंदर एक पुरसकून सफर किया जा सके, जिसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई हादसा पेश आ जाता है तो उस गाड़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हों कि जो आपकी जिंदगी बचाने में अपना किरदार अदा करें। अगर नाज़रीन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करने के लाइक करने के साथ साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।